ओम नमः शिवाय। ओम का रहस्य क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ओम के बिना सारी सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड है, वो अधूरा है। ओम ही सर्व ब्रह्मांड है और सर्व शक्ति है। ओम ही वो शब्द है, वो ध्वनि है जिनमें त्रिदेवों का वास माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का। आज बात करेंगे ओम पर कि ओम का रहस्य क्या है, ओम में कितने अक्षर हैं, कितने शब्द हैं, ओम ध्वनि से क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ओम का जो ध्वनि है वो कहाँ से निकला हुआ है, उसके बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जब भी वीडियो पूरा देखें तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ऐसा माना जाता है कि ओम ध्वनि है वो स्वयं ही ब्रह्मांड है। ओम के बिना ब्रह्मांड अधूरा है। ओम ध्वनि का उच्चारण है अगर किसी मंत्र में नहीं किया जाता है तो वो मंत्र अधूरा माना जाता है सनातन धर्म के तौर पर। ओम में श्रमपूर्ण मानव जीवन का छिपा हुआ सार है जिसके बिना कोई भी ध्वनि कोई भी शक्ति है वो परिवर्तन नहीं हो सकती हैं। ओम की ध्वनि स्वयं सुनाई देती हैं। जब आप ओम के जब समय सीमा से ज़्यादा यानी आप अनंत करते हैं तब आपको एक ऐसा समय आता है कि ओम की ध्वनि है वो स्वयं ही सुनाई देने लगती हैं। ओम भगवान शिव का पर्याय भी माना जाता है और उनका प्रतीक भी माना जाता है। ओम की ध्वनि है वो तीव्र भी है और उग्र भी है। आप इसको जिस तरीके से जिस मंत्रों के साथ में प्रयोग करेंगे उस प्रकार से आपको इसका फल मिलता है। अगर आप तामसिक मंत्र जप करते हैं उसमें भी ओम लगता है तो वो एक तीव्र बन जाती है, और आप सात्विक मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय है या विष्णु भगवान का कोई भी या कोई मंत्र जप करते हैं तो वो आपको उसमें शांति भी मिलती है। यही ओम का विशेष रहस्य माना जाता है। आज इस पर पूरी चर्चा करेंगे जिसमें आपको यही बता रहे हैं कि ओम क्या है। ओम का अर्थ और ओम का उच्चारण है वो तीन ध्वनियों से मिलकर बना है। वेदों में भी ओम को कई तरीके से अलग अलग उनका वर्णन किया जाता है, और उनका जो विशेष अर्थ और उनकी ध्वनि है ओम में वो तीन शब्दों से मिलकर बनी है। अ उ और म, इन तीनों ही अक्षरों से मिलकर तीन देवों की ध्वनि बनी हुई है ओम। अ का आकार है, उ का ओंकार है और म का मकार है। अ ब्रह्मा का बोध कराने वाला है, उ पालनहर्ता भगवान विष्णु का बोध कराने वाला है, और म है वो भगवान रुद्र यानी शिव का वासक है, शिव का बोध कराने वाला है। ओम का उच्चारण करते समय अगर अ की ध्वनि का त्याग हृदय में और उ की ध्वनि का त्याग कंठ में और म की ध्वनि का त्याग तालु मध्य में किया जाता है तो आपको तीनों ही देवों की शक्ति है वो प्राप्त हो जाती हैं। ये बहुत ही बड़ा रहस्य माना गया है। ओम के उच्चारण से मनुष्य जीवन में नाभि हृदय और अपना जो आज्ञा चक्र हैं वो तीनों ही जागृत हो जाते हैं। तीन लोकी जो स्वामी है ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, इन तीनों का प्रतीक माना गया है। ओम है जो एकाक्षर मंत्र माना गया है और ये मोक्ष की ओर ले जाने वाला मंत्र माना गया है। इसका अगर आप अनंत जप करते हैं तो आपको निर्वाण और मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है, और समय के अनुसार आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है यानी आपको आत्मज्ञान है जो प्राप्त हो जाता है। आप जब भी ध्यान योग या मेडिटेशन करते हैं तो आपको ज़्यादातर जो गाइडेंस होते हैं वो भी यही कहते हैं कि आपकी अंतरात्मा से ओम की ध्वनि निकलनी चाहिए। जब आप अनंत सीमा तक इनकी ध्वनि का जप करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आपको बिना जपे ही उनकी ध्वनि है ओम की ध्वनि है वो सुनाई देने लगती हैं। तो यही माना जाता है कि सनातन धर्म के तौर पर सृष्टि का आदि और अंत वो सभी मंत्र ओम के आधार पर ही है।
ओम की ध्वनि से, इसके जप करने से मनुष्य का जो ऊर्जा है वो मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होती है और उससे व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। और यही विकास होता है कि आपके सेवन चक्र हैं, सात चक्र हैं, वो जागृत होते हैं। ओम शब्द है वो भगवान शिव के मुख से ही प्राप्त हुआ माना गया है कि जो भगवान शिव है उन्हीं के मुख से ये निकला हुआ है। और ओम ही तीनों देवों का प्रतीक भी है। ओम एक ऐसा एकाक्षरी मंत्र है जो किसी भी शक्ति का अगर आप मंत्र जप करते हैं तो उसके आगे लगा हुआ होता है और उसके आगे आपको इसको बोलना होता है। तो यही माना जाता है, यही सबसे बड़ा रहस्य है कि आप जिसमें खोजते हैं उसमें भी है और नहीं खोजते हैं उसमें भी ओम है। यानी आप जिस मंत्र को जप करना चाहते हैं उसमें भी है और आप जिस मंत्र को जप करना नहीं चाहते हैं उस मंत्र में भी ओम लगा हुआ है। ये सबसे बड़ा सृष्टि का रहस्य है। तो आज के वीडियो में आपको जो बताया है वो शायद तक आपको समझ में आ गया होगा कि ओम का क्या रहस्य है और कितना महत्व है, कितना कुछ है जो आपको बता दिया। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।